Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Nalam College of Health Sciences, Multan. I am Malia Naseem and you are joining the lecture of Anatomy and Physiology. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम. उसमें हमने नर्वस सिस्टम के पार्ट्स देखे थे, डिवीजन देखी थी कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था. आगे हमने फर्दर देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर जो है वो ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया था. इसी तरह पीएनएस में भी यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी आगे हमने फर्दर डिवीजन की थी, उनको हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं. अब हम लोगों ने एनाटॉमी को डिटेल में स्टडी कर लिया है नर्वस सिस्टम के. आज के लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी को देखना है. हम जानते हैं कि बेसिकली वर्क क्या करता है. जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसने क्या करना है, हमारे जिस्म की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना है. जो भी हम हमारी बॉडी में हो रही है उनको भी कंट्रोल करना है, और आउटसाइड दी बॉडी हो रही है जो कि हमारे अपने कंट्रोल में है. यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री तमाम तर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. तो किस तरह से कंट्रोल करता है वो इसकी फिजियोलॉजी में आ जाएगा. बिकॉज फिजियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ दी पार्ट ऑफ दी बॉडी. यानी कि कोई भी बॉडी का पार्ट किस तरह वर्कआउट करता है या फंक्शन अपना परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी. अब हमने देखना है कि नर्वस सिस्टम किस तरह से जो है वो मैसेजेस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है, और किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से मैसेजेस जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम तक आते हैं, फिर नर्वस सिस्टम अपना काम परफॉर्म करता है. ये सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, यानी कि एक जाल होता है नर्व्स का. नर्व्स क्या होते हैं, हमारे जो होते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं जिसको हम दिमाग के सेल्स कह सकते हैं, उनका एक जाल होता है. ये क्या करता है, सिग्नल्स को कैरी करता है या मैसेजेस को, पैगाम को, यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ लेके जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यानी कि दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेके जाता है. ये हमारे जो होते हैं हम यानी कि मैसेजेस जो होते हैं बॉडी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक वापस किसके जरिए जाते हैं, नर्व्स के, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, या हमारे जो दिमाग के या स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये जस्ट नर्वस सिस्टम की बात हो रही है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बना हुआ होता है. अब लोगों ने याद रखना है कि इसको स्टार्ट करने से पहले कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है न्यूरोन, ये तो हमने बता दिया कि ये जो होता है इसमें सबसे छोटा यूनिट जो होता है, हम कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो न्यूरोन होता है. तो न्यूरॉन कैसे अपना वर्क परफॉर्म करता है, उससे पहले हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर इसकी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू करेंगे ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो. हम लोगों ने देखा था कि न्यूरॉन जो होती है यानी कि हमारे दिमाग का जो सेल होता है या न्यूरॉन जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं, इसको हमने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. डेंड्राइट, इसकी एक स्ट्रक्चर अगर हम इसकी साख देखते हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन. डेंड्राइट हमारे न्यूरॉन का वो हिस्सा होता है जो कि हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ यानी कि सेल के जो हमारे न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है उसकी तरफ मैसेज लेके जाता है. एक्सॉन वो पार्ट होता है जो कि सेल बॉडी से दूसरे यानी कि जहां पे मसल्स हैं या कोई और दूसरा पार्ट ऑफ बॉडी है उसकी तरफ जो है वो सेल लेके जाएगा, या सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से अवे मैसेज लेके जाएगा यानी कि दूर लेके जाएगा. टू पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था, डेंड्राइट में और एक्सॉन में. डेंड्राइट में हमने पढ़ा था कि डेंड्राइट में बेसिकली क्या होती है, सेल बॉडी होती है जिसको हमने सोमा का नाम दिया था. इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटीन्स बना रहा होता है, और हमारा और न्यूक्लियस को एक तरह से न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का. इसपे प्रोटीन बन रही होती है जिसकी वजह से जो हमारा नर्व सेल है वो रिजनरेट कर रहा होता है और जिंदा रहता है. इसके अलावा अगर हम देखते हैं एक्सॉन, एक्सॉन क्या कर रहा होता है, अवे मैसेज लेके जा रहा होता है सेल बॉडी से. एक्सॉन को हमने लोगों ने देखा था छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड था जिनको हमने श्वान सेल कहा था. ये जो येलो डार्क येलो कलर में दिख रहे हैं ये श्वान सेल का इनका हमने नाम दे दिया था. लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात ये है, ये जो श्वान सेल है ये किसके होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, एक अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना देते हैं फैट की. ये येलो कलर इसी वजह से है कि यहाँ पे चिकनाई की एक लेयर होती है जिसको हम मायलिन शीथ कहते हैं. इसका काम क्या होता है, इसको कवर करना, ताकि ये क्योंकि
एक्सोन जो होता है वो बिल्कुल बारीक सा है, डेंड्राइट में क्योंकि सेल बॉडी है इसलिए वो थोड़ा सा थिकर होता है, लेकिन एक्सोन बिल्कुल बारीक सा है ताकि वो डैमेज ना हो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इसको हम कहते हैं इंसुलेट करने के लिए, इसको हिफाजत करने के लिए ये इस तरह से होता है। इनके दरम्यान में जो गैप होता है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। इसका पर्पज क्या होता है, ताकि जो हमारी नर्व इम्पल्स है यानी कि जो मैसेज है उसको हम नर्व इम्पल्स का नाम दे देते हैं, वो तेजी से जो है वो पास ऑन हो सके। लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे, इस वाले पार्ट को हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं, और यही हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाता है, यानी कि जो भी हमारे बॉडी कहीं से भी हमारे पास ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं से भी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ से हमारे पास मैसेज आता है तो डेंड्राइट उस मैसेज को रिसीव करेगा, उस पर वर्कआउट होगा, उसके बाद एक्सोन के जरिए जो है वो एक्सोन टर्मिनल की तरफ जाएगा और एक्सोन टर्मिनल पे नेक्स्ट न्यूरॉन को कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होते हुए जो है वो मैसेज हमारी बॉडी के उस पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंच जाता है, या उस पार्ट ऑफ बॉडी से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इस तरह से जो है हमारा नर्वस सिस्टम वर्कआउट करता है। टाइप्स अगर हम देखते हैं तो न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती हैं जो कि मैसेज को या इम्पल्स को मसल्स की तरफ पहुंचाती हैं, उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे नाम से इंडिकेट हो रहा है, वो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि सेंसेस से यानी कि जो कि हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से मैसेज को रिसीव करती हैं, फिर उस मैसेज को प्रोसेस किया जाता है और आगे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है, फिर हमारे दिमाग जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन देता है कि आगे वर्कआउट कैसे करना है। इंटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि इन दोनों को कनेक्ट करती हैं। अब लोगों ने जो यहाँ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है वो ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे तीनों टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जस्ट मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, ये दो न्यूरॉन मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट इनकी स्ट्रक्चर एक ही होती है, डेंड्राइट और जो होता है एक्सोन पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। हम लोग जो लास्ट पीछे हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखी है वो मोटर न्यूरॉन की थी, क्योंकि इसको ज्यादा लिया जाता है। ये इस तरह से ये डायग्राम है एक, इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इस तरीके से ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो वो मैसेज आता है रिसीव किया जाता है, अगर मोटर है तो फिर बॉडी की तरफ भेजा जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस जो हो रहा है वो दो साइनेप्सिस के दरमियान हो रहा था। ये इसका जो हमारा एक्सोन का टर्मिनल है उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक को थोड़ा सा एग्जामिन को थोड़ा सा ज्यादा लार्ज करके दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से अब एक न्यूरॉन तक मैसेज आ गया, नेक्स्ट में क्या होता है थोड़ा सा गैप होता है, इस गैप को हम साइनेप्टिक कहते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसको कहते हैं। यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन तक कैसे शिफ्ट किया जाता है मैसेज, यहाँ से जो है वो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन से निकलने वाला है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम से लिया गया न्यूरो का वर्ड, और ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने वाला यानी कि पहुंचाने वाले, वो केमिकल्स जो कि मैसेजेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचाते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और ये हमारी कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि इनके दरमियान गैप है। हमारी बॉडी से मैसेज जो है वो हमारे जिस्म के डिफरेंट हिस्सों तक जाना है या दिमाग से तक जाना है, तो जाहिर है बिल्कुल एक स्ट्रेट उसको पाथवे चाहिए होता है, सीधा रास्ता, रास्ते में तो जो है ये गैप्स हैं। इन गैप्स को कैसे मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, केमिकल्स रिलीज करके, ये केमिकल फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में दाखिल हो जाते हैं, इस तरीके से जो है वो मैसेज या नर्व इम्पल्स आगे फर्दर पास आउट की जाती है। इसको लिखना कैसे आप लोगों ने, पहले आप लोग थोड़ा सा न्यूरॉन का या नर्व सेल्स के बारे में बताएंगे फिर आप लोग लिखेंगे। नर्वस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म का कंट्रोल सेंटर होता है, जिस्म के तमाम अफवाल और रद्द अमल में हम आहंगी यानी कि कोऑर्डिनेशन पैदा करने के लिए असाब के जरिए वसूल होने वाली मालूमात को दिमाग इस्तेमाल करता है। नर्व्स न्यूरॉन सेल्स इनको हम जो है वो असाब बोलते हैं उर्दू में। असाब न्यूरॉन के बारीक धागों पर मुश्तमिल होते हैं, बिल्कुल बारीक से होते हैं जो कि सारे जिस्म में पाए जाते हैं। ये नन्हे धागे बंडल की सूरत में पैगाम ले जाने और लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेलीफोन की तारें काम करती हैं। सेंसरी असाब पैगाम दिमाग तक पहुंचाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का बता रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, जो भी नर्व इम्पल्स होती है, इम्पल्सेस होती हैं या मैसेज होता है या सिग्नल होता है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। मोटर असाब दिमाग से पैगाम वापस जिस्म के तमाम मसल्स और गदूतों को पहुंचाते हैं।
जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मैसेज को या इम्पल्सिस को जिस्म के तमाम मसल्स तक और जो हमारे ग्लैंड्स हैं वहां तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से असाब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल की मदद से जो है वो पैगाम भेजते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम एक्शन पोटेंशियल का नाम दे देते हैं और केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम दे देते हैं। सर्दी, गर्मी, छूना, सूती, सूती कहते हैं आवाज को, ठीक है, वॉइस वाइब्रेशन या किसी और पैगाम से जब न्यूरोन स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिव होता है यानी कि अलर्ट हो जाता है, तो एक नन्ही इलेक्ट्रिकल हरकत पैदा होने लगती है। ये हरकत पूरे न्यूरॉन से गुजरती है जब ये न्यूरॉन की ब्रांच के आखिरी सिरे तक पहुंचती है जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल का नाम देते हैं, तो अगली ब्रांच में दाखिल होने की लिए सब मदद की जरूरत होती है। इस मौके पर केमिकल्स जिसको हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम दिया था वो काम आते हैं। खुलियात यानी कि सेल्स में इलेक्ट्रिकल हरकत केमिकल्स के अखराज का आगाज करती है। सेल्स में जो ये इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होती है इससे केमिकल्स रिलीज होते हैं, अखराज यानी कि निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं जो कि हरकत को अगले न्यूरॉन तक लेके जाते हैं। ऐसी ही हरकत आगे चली जाती है। एक नर्व सेल हर सेकंड में 1000 इलेक्ट्रिकल लहरें अरसाल करता है जिसको हम इम्पल्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर नर्वस सिस्टम में सिर्फ केमिकल सिग्नल होते हैं, मिसाल के तौर पे आग से जलने की सूरत में दिमाग को तेजी से दिमाग हाथ को तेजी से परे हटने का पैगाम ना दे सकता और यूं हाथ को खतरनाक बर्न हो जाता, यानी कि इसीलिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको केमिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों नेसेसरी होते हैं, क्योंकि केमिकल जो होता है वो थोड़ा सा डिले रिलीज होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फौरन काम करती है, अब्रप्ट और रैपिड एक्शन शो करती है। चखना यानी कि टेस्ट, सूंघना स्मेल, देखना सी और सुनना हियरिंग, सोचना थिंकिंग, ख्वाब देखना ड्रीमिंग, सांस लेना ब्रीदिंग, दिल का धड़कना हार्ट बीटिंग, हरकत करना मूवमेंट, दौड़ना रनिंग और इस तरह की तमाम तरह एक्टिविटीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बगैर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। न्यूरॉन के दरमियान अमूमी सी खाली जगह रहती है जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं और जहां एक न्यूरॉन करीबी न्यूरॉन तक एक्शन पोटेंशियल पहुंचाता है। सिंपल सी बात है कि जो दो न्यूरॉन्स हैं इन्होंने एक दूसरे तक जो है वो केमिकल जो है वो मैसेज को आगे कन्वे करना है, इलेक्ट्रिकल के जरिए भी करते हैं और केमिकल के जरिए भी करते हैं। केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल को हम एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं। इस तरह से एक मैसेज दूसरे नर्व, एक मैसेज एक नर्व न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है और हमारा ब्रेन उस पर वर्कआउट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर।